बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज मैं मुखातब हूँ पाकिस्तान के तलबा से, खुसूसन सिंध के तलबा से, कि जनाब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने आपको कल खुशखबरी सुना दी, डिक्टेटर ज़ियाउल हक के कायम करदा ज़ालमाना जो कवानीन थे अब के ऊपर यूनियन की पाबंदी थी, तकरीर और तहरीर की पाबंदी थी, उसका खात्मा कर दिया सिंध असम्बली ने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की डायरेक्शन पर। लेकिन अब मैं आपसे मुखातब हूँ कि व्हाट नेक्स्ट। जिंदगी के हर कदम पे चाहे आप हों और चाहे मैं हूँ, हमारे पास दो चॉइसेस होते हैं, कुछ करने की और कुछ ना करने की, कुछ अच्छा करने की और कुछ बुरा करने की, सही रास्ते पर चलने के या बुरे रास्ते पर चलने के। जिंदगी के सफर में सबसे आगे बढ़ने के लिए सबसे जो जरूरी चीज है कि आपको अपनी निगाहों में उठना है। और याद रखें, जो इंसान खुद की निगाहों में उठ जाता है तो फिर दुनिया अपनी निगाहों में वो खुद बखुद ही उठ जाता है। और आपको कुछ करने और कुछ बनने के लिए कुछ बनना होता है, और कुछ बनने के लिए आपको तालीम की बुलंदियों तक पहुंचना होगा। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की कोशिश आपके हकूक को और उनकी आज़ादी दिलाने का जो फ़ायदा है वो आपने उठाना है। और मेरी पाकिस्तानी तालिब इल्मों खुसूसन सिंधी तालिब इल्मों से ये गुजारिश है कि इस इनाम का बदला आपने चेयरमैन को, चेयरमैन की सफ़े अव्वल के साथी बन जाएं, ताकि इतना प्रेशर बिल्ड हो कि दूसरे सूबे जो हैं वो भी इसके बारे में सोचें और वहाँ के तलबा जो हैं उनको भी ये आज़ादी नसीब हो। उम्मीद तो वैसे है कि उनको अब करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपका साथ होगा, यूनिटी होगी, आप चेयरमैन का हर अव्वल दस्ता बनेंगे तो इस काम में आसानी होगी और दूसरे सूबों के जो तालिब इल्म हैं इसका उन्हें भी फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला आपकी हिफाजत भी करे और आपको तालीम में कामयाब व कामरान भी करें।